वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शो पे जिसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूँ रवि, ये है राहुल, और आज आपको मैं एक बढ़िया सी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी के साथ साथ एक बढ़िया सा कॉकटेल भी बनाऊंगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राहुल बड़े दिनों से बोल रहा था कोई कॉकटेल नहीं आया, तो मैंने कहा चलो आज करते हैं। वोडका बेस्ड कॉकटेल है पहले ये, तो वोडका साइड में रखेंगे अभी। सारा सामान देखो, क्रैनबेरी लगेगा, ऑरेंज जूस लगेगा, और ये एक जुगाड़ है, क्यों है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो इन सबको करें साइड में, ग्लास लेके आएंगे बीच में। तो ये जो आज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ये एक्चुअली में कॉकटेल का नाम है सेक्स ऑन द बीच। 80s में एक हमारे बहुत फेमस बारटेंडर थे फ्लोरिडा में, जिनका नाम हुआ करता था टेड पीजियो, और उस टाइम पे एक कंपनी होती थी पीच स्नॉप्स, जो सभी बार में डिलीवर करती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कंपटीशन रखा था कि कौन सा बारटेंडर सबसे ज्यादा पीच स्नॉप्स बेक सकता है। तो उस टाइम पे इस टेड पीजियो नाम के बारटेंडर ने, वन ऑफ द फेमस थे उस टाइम पे फ्लोरिडा में, उन्होंने एक नई कॉकटेल का इजाद किया, और उसका नाम रखा सेक्स ऑन द बीच। अब उसका इतना अजीबोगरीब नाम क्यों था? स्प्रिंग का टाइम था, स्प्रिंग आपको पता है गर्मियों वाला, जस्ट स्टार्ट ही होती है, और बीचेस फ्लोरिडा इज फेमस फॉर बीचेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दो चीजें हमारे शहर में सबसे ज्यादा चलती है इस टाइम पे, एक सेक्स और दूसरा बीचेस, तो सेक्स ऑन द बीच। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, इंडियन उसमें पियो बजाओ, ठीक है जो मर्जी कर लो भाई। तो 60 ml वोडका डाल दी है, वोडका बेस्ड है पहले बता दूं आपको। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें जाती है पीच स्नॉप्स, ठीक है। ये एक लिकर है, पीच बेस्ड लिकर है, इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। मैं ढूंढने गया था, रेट सुन के मैंने कहा रहने दो भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम सेक्स ऑन द बीच के चक्कर में ड्रिंक में ही फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 30 ml थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ, घुमा लेते हैं उसको टेस्ट के लिए। 30 ml है, ठीक है, हाँ पता है 30 ml है, वो बातें करते करते ना हो गया। हाँ तो 30 ml जस्ट टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमारी गलती है, बंदे सब कुछ भूल जाते हैं भाई। और अब वैसे तो इसमें आइस जाती है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ठंड ज्यादा है, ठीक है। तो ठंड से बचने के लिए हमने एक में ऑरेंज लेगा, नहीं नहीं दोनों में ऑरेंज जलेगा, ठीक है। जस्ट दैट कि 60 ml ही ऑरेंज डालेंगे, बेसिकली जो रेशियो है जितना आप अल्कोहल डाल रहे हो उतनी उतनी ड्रिंक डालेंगे। भाई देखने में तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई, पीने में पता नहीं क्या होगा। एक बार मैं ऐसे टेस्ट करके देखूं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, सेक्स ऑन द बीच कह तो ले दो, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्रैनबेरी डालने से पहले मैं टेस्ट करूँ, वो मैं अलग से करा दूंगा, टेंशन क्या है, सारी चीजें हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मजा आता है ऑरेंज ये वाला तो टेस्ट कराए थे, ठीक है। तो ये हमारा ऑरेंज जूस था, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आखिरी चीज जो इसमें जाएगी वो जाएगी लड़की का ड्रिंक, क्रैनबेरी जूस, ठीक है। तो वो जो पिंक वाला इफेक्ट आता है ना थोड़ा सा, उसी के लिए इसका नाम थोड़ा सा इस तरीके से रखा हुआ, ये देख रहे हो एकदम कलर ब्लेंडनेस, पिंक नहीं है तो पर्पल हो गया। अब तो मिलके तो कुछ ना कुछ तो कलर आएगा। तो ये हमारा सेक्स ऑन द बीच तैयार हो गया है, एक ही चीज की कमी है, ये समर्स ड्रिंक है, तो इसमें आइस डलती है। हम सर्दियों में बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल, हमने सोचा कि कुछ अलग करेंगे, तो हमने सर्दियों में बनाया, तो तैयार है। हाँ, अब इसको आप चाहें तो घुमा लेके इसके अंदर ना, वो बड़े सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो ये आपकी सेक्स ऑन द बीच तैयार हो गई, पल्प डले हुए बहुत सारे, अच्छे लग रहे हैं, है ना। हाँ, थोड़ा सा पल्पी ऑरेंज इसलिए मैं लेके आया था, करें। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करें। चेयर्स। लेकिन एक बार बता दूं, मॉडर्न टाइम रिक्वायर्ड अ मॉडर्न सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पल्प कहना क्या चाह रहे हो, नए तरीके से सेक्स करेंगे, करो करो करो, राइट, सेक्स ऑन द बीच। ओहो, एंटरटेन, तुम तो बिल्कुल शॉर्टकट मारने पे उतर आए हैं। अरे ऐसे ही मारते हम भाई, चलो भैया बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं डालना है, वोट का जो पहले से लिया हुआ है वो डालेंगे। कितना डाल रहे हो? 60 ml। ओहो,
ठीक है, ये वोडका डाला, किसी दुकान पे पानी लेने की जरूरत नहीं है, किसी दुकान पे नींबू लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घर पे अपना रोगा जो कोई बियर कहते हैं पहले उसको शेक कर लेते हैं और ये कर लिया हमने और ये कर दिया हमने पोर। देख रहा है पीरस बंदे का ना अपना। अरे भाई अब क्या बोले, हम तो कह रहे हैं अब सब छोड़ो, बार टेंडर ही बन जाते हैं। हाँ है ना, ओहो नींबू भी कट चुके हैं और टच तो देगा मेरा भाई, शेफ है तो। चलो भाई टच तो आ गया, तो ये निकाल लेते हैं अपनी अपनी। ये लो भाई, अपने पे नहीं लगाए थे मैंने, बट भाई ने बनाया तो थोड़ा बहुत तो करे। चलो भाई उठाओ, अब थोड़ा बीच वाला वो टच आ रहा है ना। हाँ, 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 तो कलर का डिफरेंस देख रहे हो। वो क्रैनबेरी पड़ा हुआ ना उसके अंदर। हाँ, क्रैनबेरी इसमें भी, बट शायद थोड़ा बॉटल के बारे में पहले बता दें। बिल्कुल अरे पीने के इतने ललायत है, पीने के इतने ललायत है। तो देखो इसमें जो ओरिजिनल रेसिपी है इसमें पीच और ट्रिपल सैक डाला हुआ है। ओरिजिनल रेसिपी में जैसे कि मैंने आपको बताया हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इसमें पीच स्नॉप डाला जाता है क्योंकि उन्होंने ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पीच स्नॉप डाला जाता है। इंडिया में जैसे कि मैंने बताया अवेलेबल होता नहीं है, इस वजह से अगर तो ये जिमी कॉकटेल मिल रहा है तो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, सब कुछ बना बनाया आपको मिलता। अगर अभी हम रिव्यू करेंगे तो पीने में अच्छा है तो अच्छा अल्टरनेटिव है। हाँ, नहीं तो जो रवि वाला है वही बेस्ट है। बिल्कुल, ये तो ओरिजिनल है ही है। हाँ, ठीक है, नो डाउट। बाकी ये देख लेते हैं जरा, नोजिंग तो कर ले। कॉकटेल में क्या नोजिंग करोगे भैया, कुछ तो समझ में आएगा। भाई देखो जो पीच वाला पंच है ना वो तो भाई सीमा है इसमें। हाँ, पंच तो सीमा है, थोड़ा सा पीच इसमें ज्यादा है, यानी कि हमें थोड़ा पीच की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्लस ओरिजिनल ना, ओरिजिनल पीच जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये एक तरीके का इंडियन जुगाड़ है। ओरिजिनल पीच फ्रूट का एक तो सीजन चल नहीं रहा तो पीच मिला नहीं मेरे को, और दूसरी चीज और बीच पे तुम कहां तामझाम झूमते रहोगे, एक जिमी कॉकटेल लाना उसके अंदर अपना वोडका मिलाना पॉकेट से निकाल के और वही कबीर सिंह वाला चेक 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 और पीलिया से। वैसे देखा जाए तो अच्छा अल्टरनेटिव, जैसे मैंने बताया मैं एक्चुअली अच्छा अल्टरनेटिव पहले स्टार्टिंग में से बोला था, मैं एक बार ट्राई कर चुका हूं, तो इट्स अ गुड अल्टरनेटिव। और मेरे को एक ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके दिखाना था, एक बार जरा करके देखो फिर से कैसा लग रहा है आपको। यार फ्लेवर चाहे भले उसका अच्छा हो बट नोजिंग इसकी अच्छी है भाई। हां इसमें दारू का नशा आ रहा है, उसमें पूरा सेक्स ऑन द बीच चल रहा है उसमें। जो थोड़े से शॉट थोड़े हमने थोड़े हैवी बनाए। बट देखो दोनों तरीके सही हैं, अगर आप हैवी पीते हो आप अपना खुद का जिस तरीके से चाहे वैसे बना सकते हो। मैं बताऊं उस वाला ठीक बन जाएगा, उसमें थोड़ा ना पीच का फ्लेवर ऐड कर देना ज्यादा, वाला ठीक बन जाएगा। और ये तो भाई अमेजिंग है क्योंकि इसमें तो भाई पूरा लिखा हुआ है जैसे ऐसे बनाया। इसमें आइस इट, फिल इट ग्लास विद आइस, शेक इट, ऐड 30 ml 60 ml वोडका ईच, भाई डाल दिया वो तो हमने। जिमी टेट टाइप अप विद जिमी कॉकटेल एंड स्टेल, बस करके सर्व कर दो। और भाई सबसे बढ़िया बात क्या है, 61 कैलोरीज है ना पर सर्विंग में। बड़ी बात कर दी, डाल दिया हमने, ऐड करो बताओ जरा। सही कह रहे हैं। देख ले भाई अब आया फ्लेवर, पीच थोड़ा कम रह गया, पीच थोड़ा कम रह गया था उसके अंदर, अब आ गया फ्लेवर। तो बिल्कुल सही कह रहा था राहुल, थोड़ा सा पीच ज्यादा लेके चलना अगर तो आप हमें पता है, हमें पता है एक्सपीरियंस नोज बेस्ट। अगर ये वाला ब्रांड अगर आप यूज कर रहे हो पीच के फ्लेवरिंग के लिए तो थोड़ा से 30 ml मैंने यूज किया था, 40 या 45 या 60 के बीच में रखना, वरना पीच एकदम से दब जाएगा। बाकी ये सारे 60 ml चलेंगे। ये वाली बॉटल ना पता है इनको ना बड़े वाले उसमें निकालनी चाहिए, एक लीटर वाले में आता होगा यार, एक लीटर वाला कहाँ आता होगा जिमी, बट इनकी वेबसाइट पे देखा नहीं है तो हो सकता अगर कमर्शियली निकाला हो तो बात अलग है। चलो तो ये गाइस ये था आज का दो कंपैरिजन वीडियो, दो कॉकटेल्स के साथ, एक रवि का ओरिजिनल, एक हमारा रेडी टू सर्व वाला। आप बताना आपको कौन, आप घर में दोनों ट्राई करना और बताना आपको कौन सा वाला बढ़िया लगा। बिल्कुल मैं कहूंगा दोनों ही बढ़िया है, उसके अंदर जो पीच वाला फ्लेवर था वो थोड़ा ज्यादा डालना तो उसके अंदर आपको फ्लेवर मालूम पड़ेगा। ये तो भाई ऑलरेडी बनाई हुआ है, सिर्फ वोडका डालना है और ये डालना है और आपका बढ़िया कॉकटेल बन गया। ऐसे इंटरेस्टिंग से कॉकटेल वीडियोस के लिए चैनल पे बने रही है। पीरियस भी हमने कॉकटेल्स की वीडियो बनाया है, उस वाली रेसिपी आप देख सकते हो, क्रिसमस पे बनाते हैं कॉकटेल और काफी पहले भी बना रहे हैं।
जिमी कॉकटेल के रिव्यू भी डाले हुए दो तीन के पहले, तो वो भी आपको कॉकटेल के रिव्यू मिल जाएंगे। चैनल पे ऐसे बने रहिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कुछ नए ब्रांड, कुछ नई कारिस्तानी के साथ। तब तक के लिए मेरे और राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से सेक्स ऑन द बीच के साथ चीयर्स।